हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका टू मिनट सीरीज़ में आज हम इन्वायरमेंट की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट डैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट को हम सोगा के नाम से भी जानते हैं न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो इस नाम से भी आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी बेसिकली जो ये रिपोर्ट है ये आपको लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक बेसिक आइडिया देती है बेसिकली एयर पोल्यूशन कैसे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है उसके बारे में ये रिपोर्ट आपको मेजरली बताती है ये रिपोर्ट एनुअली निकाली जाती है और पिछले पाँच साल से हर साल आ रही है इस साल ये अक्टूबर 2020 में आई थी अब इसे निकालता कौन है पहला इम्पॉटेंट इंस्टीट्यूशन uh, है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ठीक है जो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है ये 1990 में बना था इट इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए बेस्ड है और मेजरली जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है यू की वो इसको फंड करती है अलॉन्ग विद वर्ल्ड वाइड मोटर व्हीकल इंडस्ट्री ठीक है और कुछ ये स्पेशल पब्लिकेशनस uh, भी निकालता है तो वो जो स्पेशल रिसर्च पब्लिकेशन होती हैं उनको पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजे ही फंड करती हैं उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है अब ये जो रिपोर्ट है ना इसने मेजरली हमें ये बताया कि 2019 में 6.67 मिलियन पीपल डाइट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन

और अगर हम बात करें अर्ली uh, डेथ को हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की रिड्यूस हो रही है आप उसको उस तरह से भी देख सकते हो ठीक है उसके बाद ये वाली रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है 2020 की क्योंकि इसने पहला कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस किया है ऑफ़ द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन न्यूबॉर्न्स ठीक है कि फर्स्ट मंथ में जो न्यूबॉर्न्स है उनको एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है तो जो फाइंडिंग्स है काफ़ी डिस्टर्बिंग है अगेन उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हो जाती है और उनको आगे जाके प्रोन करता है और भी ज्यादा बीमारियों को ठीक है सो न्यूबॉर्न आर एक्चुअली प्रोन टू मोर बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ राइट अब अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें अब हाइएस्ट पीएम टू पॉइंट फाइव ठीक है उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं जिनमें हाइएस्ट पीएम टू पॉइंट फाइव एक्सपोजर है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान and नेपाल And in fact, अ वेरी सैड फाइंडिंग इज़ दैट इंडिया इज़ at द टॉप ऑफ इट ठीक है अगर हम PM 2.5 पॉइंट फाइव की बात करें पी एम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि आप ऐसे लगा लो कि कोई भी सस्पेंडेड मटीरियल हमारे पास आ, हमारी इन्वायरमेंट में है एम्बियट इन्वायरमेंट में है सो टू पॉइंट फाइव का मतलब होता है कि इसका जो डाया मीटर है वो टू पॉइंट फाइव माइक्रॉन्स से छोटा है ठीक है टेन आ, पी एम टेन भी आपने सुना होगा उसका मतलब होता है कि टेन माइक्रॉन्स से जो डाया मीटर है डाया मीटर छोटा है पर्सपेक्टिव देने के लिए आप ये सोचिए कि फ़िफ्टी माइक्रॉन्स हमारे बाल हैं जो ह्यूमन हेयर है उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो वो फिफ्टी माइक्रॉन्स है तो उससे भी छोटा है अब ये इसके छोटे होने से ही इसका खतरा बढ़ जाता है देखो जो पी एम टेन वाले भी पार्टिकल्स होते हैं ना आप उनको इनहेल करते हो तो हमारा नोज है हमारा म्यूकस है ठीक है नोस में हेयर होते हैं वो उसको एक्चुअली में रोक लेते हैं ठीक है हमारी बॉडी के डिफ़ेंस मेकानिज़म से वर्क अगेंस्ट पी एम टेन हम कफ़ कर लेते हैं या स्नीस कर लेते हैं एंड वी कैन रिमूव द पी एम टेन वे जो पार्टिकल्स हैं लेकिन पी एम टू पॉइंट फाइव माइक्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी बॉडी के डिफेंस मेकानिज़म से भी वर्क नहीं कर पाते एंड दे गेट इन साइड आवर बॉडी एंड वी कान रिमूव इट और इनसाइड आवर बॉडी भी कैसे लंग्स में चले जाते हैं ठीक है लंग्स के बाद ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम के बाद हार्ट में तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं ये मेजर तो इसीलिए कहते हैं कि पी एम टू पॉइंट फाइव को ना आप अपनी बॉडी से निकाल नहीं सकते यू कैन ओनली वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन ओनली प्रिवेंट यूर सेल्फ फ्रॉम इनहेलिंग इट ठीक है इसीलिए लोग मास्क पहनते हैं दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है विंटर मंथ्स पे पीपल आर एक्सपेक्टेड टू वेयर मास्क ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज है डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन है कि पी एम टू पॉइंट फाइव का लेवल ना टेन माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ एयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरी इंडिया में 90% परसेंट ऑफ लोग हैं दे आर एक्सपोज टू पी एम टू पॉइंट फाइव लेवल्स विच आर मोर देन दिस ठीक है सो so इंडिया में तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट राइट right? उसके बाद ना अगर हम देखें तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एक्सपोजर में इंक्रीज़ हुआ है पीएम 2.5 के ओवरऑल ऐसा माना जा रहा है कि पीएम 2.5 का जो एक्सपोजर है वो कम हुआ है पूरे देश में लेकिन इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है और दो द एक्सपोजर इज़ गेटिंग लेस है ना ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पी एम का जो एक्सपोजर है वो कम हो रहा है लेकिन जो लोग इन, उसको ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं उनमें बीमारियाँ बढ़ रही हैं स्पेशली ऑफ द लंग्स एंड ऑफ दी हार्ट राइट उसके बाद जैसे कि इस रिपोर्ट में ना पी एम की बात की गई है ओजोन की बात की गई है और जो हमारी इंडोर एयर पोल्यूशन है उसकी बात की गई है राइट ओजोन जो लेवल है जो ट्रॉपोस्फेरिक ओजोन है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है उसमें भी जो लेवल है वो थर्टी टू सेवेंटी परसेंट हायर है देन देवर हंड्रेड इयर्स अगो ठीक है और ये इमिशंस क्योंकि इंक्रीज़ हो रही हैं ठीक है ठीके? उसके बाद Uh, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कंट्रीब्यूट करता है ओजोन फॉर्मेशन को तो जब क्लाइमेट चेंज होता है या जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ओजोन बनती भी ज़्यादा है और एक बार ओजोन बनती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी ज़्यादा करती है क्योंकि ओजोन इस जो जो ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन मिलती है वो बेसिकली एक ग्रीन हाउस गैस भी है ठीक है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग राइट इंडिया का नंबर थ्री है एज़ फार एज दी ओजोन एक्सपोजर इज़ कंसर्न राइट और अगेन इंडिया इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट कंट्रीज जिनमें की इंक्रीज़ uh, हुआ है एक्सपोजर ठीक है सो इंडिया इज़ ऑल्सो अमंग द टॉप टेन कंट्रीज़ विध हाइस्ट ओजोन एक्सपोजर इन ट्वेंटी नाइन्टीन राइट और सबसे ज़्यादा इंक्रीज भी इंडिया में हुआ है ठीक है उसके बाद अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है टू आउटडोर एंड इंडोर इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वन पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन एनुअल डेथ फ्रॉम स्ट्रोक हार्ट अटैक डायबिटीज लंग कैंसर क्रॉनिक लंग डिजीजेज एंड न्यूनेटल डिजीजेज इन ट्वेंटी ठीक है सो इंडिया में वन मिलियन पीपल हैव डाइट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ओवरऑल सिक्स मिलियन पीपल हैव डाइट राइट सो so, अब ये भी अगर हम इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है कि इंडिया में जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो कम हो रहा है क्योंकि हम शिफ़्ट हो रहे हैं टू क्लीनर फ्यूल्स बिकॉज ऑफ द जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि आप एल यूज़ करो है ना तो ज्वाला योजना वगैरह की वजह से इट इज़ वर्किंग और हमारा जो एक्सपोजर है वो कम हो रहा है उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फेंट रिलेटेड डाटा देखो लाइक आई सेड कि हाई पार्टिकुलेट मैटर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑफ मोर देन वन लैक इंडियन इन्फेंट्स हु डिड नॉट सर्वाइव देयर फर्स्ट मंथ ठीक है सो क्योंकि बच्चे जो पहले मंथ में ना देवर एट अ वेरी वनडरेबल एज ठीक है सो एक्सपोजर की वजह से उनका लो बर्थ वेट रहता है कि बर्थ के टाइम पे उनका जो वेट है वो कम है ठीक है प्री टर्म बर्थ हो जाता है जो भी उनका टर्म था उससे पहले ही दे आर बोर्न सो इट मेक्स एम वेरी वनरेबल एंड दे इवेंचुअली डाई ठीक है सो मोस्ट ऑफ दिस डेथ्स आर एसोसिएटेड विद पीएम 2.5 इनफैक्ट जो 6.67 मिलियन डेथ्स ओवरऑल हुई है ना उसमें से फाइव हंड्रेड थाउजेंड डेथ्स इन की हैं ठीक है सो so अभी लाइक आई सेड कि जो हाउस होल्ड रिलायंस है ऑन पुअर क्वालिटी सॉलिड फ्यूल्स उसमें कम देर हैज़ बिन रिडक्शन बट अभी तक इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बी अ की फैक्टर राइट सो अगर हम देखें पी uh, एम टू की वजह से जो डेथ्स हैं uh, वो काफ़ी ज़्यादा है साउथ एशिया और सबसे हारन अफ्रीका में ठीक है उसके बाद कोविड नाइन्टीन की अगर हम बात करते हैं ना तो लाइक आई सेट कि कोविड नाइन्टीन की, की वजह से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एयर पोल्यूशन के लेवल कम हो गए लेकिन अभी एयर पोल्यूशन के लेवल फिर से बढ़ रहे हैं उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड नाइनटीन बिकॉज इट इज इट इफ़ेक्ट्स योर लंग्स इट इफेक्ट्स योर हार्ट सो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन पीपल हु हैव बीन एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन कॉन्स्टेंटली उनका जो वनरेबिलिटी uh, थी टू कोविड नाइन्टीन वो ज़्यादा थी ठीक है सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है सो so फाइनली अगर हम कॉन्ट्यूशन की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि uh, जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह इट हैज़ बिकम द फोर्थ मेजर मोटेलिटी रिस्क फैक्टर्स Uh, मतलब जो चौथे नंबर पे है रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें और सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो हमारे पास पी एम टू पॉइंट फाइव की वजह से हुए हैं ठीक है सो so ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी चाहिए और एज़ फार एज़ द अमाउंट ऑफ़ एयर पल्यूशन इज़ कंसर्न तो वो कम हो रहा है ठीक है पोल्यूशन कम हो रही है बहुत जगहों में लेकिन अभी भी बहुत जगहों में पीपल आर एक्सपोज एंड जो एक्सपोज थे पहले उनको ये जो डिजीज़ वर्डन है वो भी बढ़ गया है उनके अंदर लंग डिजीजेज और हार्ट डिजीज दे हैव ऑल इनक्रीज राइट सो दिस वॉज़ रिगार्डिंग योर यू नो स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर रिपोर्ट उसके बाद अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ हमारे यहाँ पे स्लीपी पी क्लासेस में तो 2020 के कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन कोर्से इज़ ओपन ठीक है सो यू कैन आइदर टेक पी सी एम कोर्स ऑप्शनल एस सी एंड सी सैड ठीक है और अभी सेवन फेब तक एक इनगरल डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको वन थाउजेंड का और अगर आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है राइट सो दैट्स ऑल अगर कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में हमें लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग